कल के वीडियो में आपने जो देखा था उसी के आगे हम लोग आज चर्चा करेंगे और आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम बताएंगे। सह संयोजक बंध बनाने के जो तरीके होते हैं, ऐसे मोस्टली लोग क्या करते हैं, याद करते हैं। तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। वो अगर आपको पता है तो आप आसानी से किसी भी कंपाउंड का, किसी भी उसका स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। देखिए, हम आपको सबसे पहले कार्बन की संरचना के विषय में बता रहे हैं। जैसे मान लिया कार्बन, अब कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी होता है, क्योंकि पहला वर्ड सी होता है, तो जाहिर सी बात सी ही लेना पड़ेगा। उसके बाद देखिए बेटा, यहाँ पे क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, सिक्स होता है, ठीक। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2.4, यानी उसके हिसाब से अगर हम कह दें कि भाई इसकी संयोजकता कितनी है, तो संयोजकता हो गई 4। अब संयोजकता 4 है इसकी, संयोजकता 4। एक चीज हम आपको बता दें, ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है, जितनी संयोजकता होती है उतना ही उसमें उतनी ही वैलेंसी भी मानी जाती है। जैसे मान लिया आपके पास, एक मैं कॉमन एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, और 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करनी है तो 4 कंडीशन बनेंगी। अब 4 कंडीशन कैसे बनेंगी, ये भी कोई याद करने की बात नहीं है। 4 कंडीशन होती है, जैसे मान लिया आपके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम आप ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। अब 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, तो कंडीशन आप यहां से भी जान सकते हैं। देखिए, 4 संयोजकता आपकी होती, तो एक ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है और एक सिंगल बॉन्ड बन सकता है। पहली कंडीशन क्या हो जाएगी कि अगर कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले और एक सिंगल बॉन्ड बना ले, तो उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में इसको उठा के इधर कर लीजिए, तो इसका मतलब अगर कार्बन तो डबल बॉन्ड बनाता है तो भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कंडीशन नंबर 3 आपकी क्या हो जाएगी, एक डबल बॉन्ड बना ले और 2 सिंगल बॉन्ड बना ले। और कंडीशन नंबर 4 होती है कि अगर कार्बन 4 के 4 सिंगल बॉन्ड बना ले, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले, तो भी उसका ऑक्टेट क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। हम इन चारों कंडीशन को आपको बता रहे हैं। देखिए, पहली कंडीशन में हमने बताया है कि चूंकि वैलेंसी कितनी है, 4 है। अब जब 4 वैलेंसी है, तो जाहिर सी बात है कि फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आपका क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, और दूसरा क्या बनाइए आप, सिंगल बॉन्ड। यानी देखिए, ये भी बहुत जानना जरूरी है, कहीं पे अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने गिनेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड पे आप 2 काउंट करेंगे। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड आता है तो कितने करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, और कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आता है तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। आपको ये भी जानकारी बता दें कि ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा 2 परमाणुओं के बीच में नहीं हो सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाले केवल आपके 3 कंपाउंड होते हैं। पहला आपका एलिमेंट होता है कार्बन, दूसरा आपका कौन सा होता है, नाइट्रोजन, और तीसरा इन केस आप कभी कभी, वैसे ज्यादा नहीं होता है, हम 2 ही को मानते हैं, यानी ये केवल ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है और ये ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। बाकी किसी भी एलिमेंट्स के अंदर ये क्षमता नहीं होती कि वो ट्रिपल बॉन्ड आसानी से बना ले, ठीक है, क्योंकि इनके साइज छोटे होते हैं, ओवरलैपिंग होती है। तो पहली कंडीशन मैंने आपको बताई कि अगर कोई कंपाउंड में एक एलिमेंट एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले और एक सिंगल बॉन्ड बना ले, इसका मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, C2H2 एक एल्काइन होती है, और इसको हम लोग बोलते हैं एसेटिलीन। क्या बोलते हैं, एसेटिलीन। अब देखिए, क्योंकि हम यहां बॉन्डिंग की बात ऑलरेडी कर चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा जानकारी आपके पास पहुंच भी गई। कार्बन आपके कितने यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, तो, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो जब बंटवारा होता तो बराबर ही बराबर होता है, यानी एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ, तो दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ। अब देखिए कितनी इजी बनेगा, कार्बन कार्बन मैंने दिखा दिया, 2 हाइड्रोजन आपके पास है, पहला हाइड्रोजन ये है, दूसरा हाइड्रोजन आपका ये। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है,
तो हाइड्रोजन की कभी हिम्मतें नहीं कि वो डबल बॉन्ड बना ले, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम शेयरिंग कर सकता है। तो इसका मतलब इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में भी क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब बचा तुम्हारा क्या, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, चार। चार में इसने बॉन्ड बनाने के लिए कितने दिए, एक, और इसने भी एक, तो तीन इलेक्ट्रॉन इसके पास बच रहे हैं और तीन ही इलेक्ट्रॉन इसके पास भी बच रहे हैं। अब ये आपस में अगर सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो दो दो चार दो छह आठ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होंगे, फिर ये डबल बॉन्ड बना लेंगे और फिर ये ट्रिपल बॉन्ड। जैसे ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो कार्बन अपने आठ इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा करेगा, यहां पे सिंगल बॉन्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन काउंट, दो चार दो छह दो आठ, और दो इधर से अगर हम काउंट करते हैं तो दो दो चार दो छह दो आठ, यानी इसके भी आठ इलेक्ट्रॉन पूरे और इसके भी आठ इलेक्ट्रॉन पूरे। तो पहली कंडीशन आपकी कंप्लीट हो गई कि यदि कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले और एक सिंगल बॉन्ड बना ले तो भी उसका ऑक्टेट क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। कंडीशन नंबर दो पे आ जाइए, ये कंडीशन नंबर एक है और ये कंडीशन नंबर दो है। अब देखो बहुत आसान है, इस बॉन्ड को उठा के यहां पे ले आओ, जब यहां पे ले आओगे तो क्या हो जाएगा, दो डबल बॉन्ड आपके हो जाएंगे। यानी कार्बन अगर दो डबल बॉन्ड बना लेता है तो भी आठ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसका सबसे साधारण सा उदाहरण होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो एसिटिलीन है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड। फिर देखिए जब सोच आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जैसे ऑक्सीजन आ गया अब आपका, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, आठ होता है। इसको अगर हम बांटते हैं तो दो कामा छह, जैसे नॉर्मल से अवधारणा की अगर हम बात करें तो अपने मन में तुरंत आ जाता है भाई छह है, अब छह है तो आठ होनी चाहिए, तो दो ही सहजकता कितनी हो गई इसकी, दो। अब दो सहजकता जब होगी तो कंडीशन भी दो हो जाएंगी, या तो एक डबल बॉन्ड बना ले और या दो सिंगल बॉन्ड बना ले, ये ऑक्सीजन की कंडीशन होती है, ठीक है। तो अब जैसे ये बन में आया तो कार्बन तो अकेला है तो जाहिर सी बात है आपका बीच में ही रहेगा, एक ऑप्शन आपका ये हो गया, दूसरा ऑक्सीजन ये हो गया, ठीक है। और मैंने क्या कहा कि इसके इसके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक अगर यहाँ हाइड्रोजन होता तो पहले एक सिंगल बॉन्ड इधर बनता है किधर, तो डबल को हम लोग तोड़ भी सकते हैं। अब डबल बॉन्ड का मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो ऑक्सीजन के पास कितने होते, छह। अब छह में से दो चले गए तो कितने बचे इसके पास, चार। चार और चार कितने हो गए, आठ। इस कार्बन का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो, ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं कार्बन इस वाले ऑक्सीजन पे, अब इस पे भी आप क्या करेंगे, दो ही दो इलेक्ट्रॉन देंगे, दो दो चार, चार चार कितने हो गए, आठ हो गए। इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, पूरा हो गया। बीच वाले पे आ जाइए कार्बन पे, इधर भी शेयरिंग है इधर भी शेयरिंग है, तो चार और चार मिला कितने हो गए, आठ हो गए, यानी इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसको हम लोग बॉन्डिंग में दिखाएंगे, तो बॉन्डिंग में दिखाएंगे तो कार्बन बीच में रख दिया, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी, तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड। तो कंडीशन नंबर दो आपकी क्या हो गई, यहाँ पे फॉलो हो गई, क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये इसी तरह से हम जो भी कंपोनेंट आता है अगला, अब एक सिंगल बॉन्ड निकाल लीजिए तो जाहिर सी बात है एक डबल बॉन्ड बना ले और दो सिंगल बॉन्ड। हम हर नया कंपोनेंट दे रहे हैं, ये नहीं कि मतलब हम एक ही टाइप के कंपोनेंट पकड़ रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल हमने लिया COCl2, COCl2 क्या है आपका, फॉसिन। आपको बता दें ये बहुत खतरनाक गैस होती है और कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। अब इसमें फिर एक नया एलिमेंट आ गया, ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे Cl ले लिया। अब Cl का कितना होता, 17, दो कामा आठ कामा सात, देखिए जैसे हम काउंट करें तो सात है, इसका मतलब सहजकता कितनी हो गई, एक। यानी अगर क्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड बना लेता है तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बहुत इजी। अब देखिए COCl, देखिए एक सिंगल बॉन्ड यहां बन गया, एक सिंगल बॉन्ड यहां बन गया, ठीक है। और ऑक्सीजन अकेले होता है तो क्या बनता है, डबल बॉन्ड।
अब तो याद करने की जरूरत भी नहीं, वैसे भी आ जाएगा। अब देखिए इसके पास कितने बचते थे, दो और दो चार, भाई छह थे, दो साझेदारी लिए तो कितने बचे, चार। और क्लोरीन के पास कितने हैं, सात। अब सात में से इन्होंने क्या किया है, एक सिंगल बॉन्ड बना लिया, तो कितने बचे, छह। इनको बेटा लोन पेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोन पेयर। और जानकारी के लिए आपको बता दें, जो क्लोरीन होती है उसकी संरचना 1, 3, 5 और 7, यानी 1, 3, 5 और 7, थोड़ा बड़े लेवल में आएंगे तो जरूर आपको बताएंगे ये चीजें, ठीक है। आप देखिए इसके बाद चौथी कंडीशन, ये कंडीशन तीन हो गई और ये कंडीशन आपकी चार। आप देखिए बस केवल एक सिंगल बॉन्ड निकाल दीजिए, सिंगल 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 सिंगल, यानी अगर कार्बन चार सिंगल बॉन्ड बना लेता है तो भी उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सरल कर लेते हैं, CH4 आपका, इसको क्या बोलते हैं, मेथेन, क्या बोलते हैं, मेथेन, एल्केन होती है, क्या होती है, एल्केन। अब देखिए हाइड्रोजन तो कभी डबल बॉन्ड बना नहीं सकता, पहले बता चुका हूं। कार्बन को बीच में रख लीजिए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सिंगल 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 सिंगल, यानी कि कुल मिलाकर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो मैंने एक तत्व का आपको बता दिया जैसे कार्बन का, ठीक है। अब इसी के बेस पे आप नाइट्रोजन में, जिसकी वैलेंसी 5 होती है, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली में फास्फोरस होती 5 होती है, तो उसको भी आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे हम कहते हैं 5 की बात कर रहे हैं, तो मैंने दो ही एलिमेंट्स आपको बताए, चलिए इसको आपको दूसरे पार्ट में बता देते हैं, ठीक। देखिए जैसे कार्बन का हम लोगों ने अभी बनाया है, वैसे ही फास्फोरस के लिए भी कंडीशन होती है। फास्फोरस, फास्फोरस का कितना होता है, पहले तो सिंबल होता है P, और फास्फोरस का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 15, इसको हम डिवाइड करते हैं तो 285। देखिए अब इसमें दो टाइप की वैलेंसी हो जाएंगी, क्यों दो टाइप की हो जाएंगी, देखिए एक चीज याद रखिए, जितने भी 10 तक के परमाणु क्रमांक होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनके 10 तक होते हैं वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, प्रसार नहीं कर सकते, क्यों, उनके पास डी ऑर्बिटल्स आपके नहीं पाए जाते। लेकिन जब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 10 के बाद, तो वो अपने अष्टक का प्रसार कर सकते हैं। इसमें दो प्रकार की संरचनाएं होंगी, एक आपकी सामान्य होगी और एक अधिकतम होगी, ठीक है। फिलहाल फास्फोरस आपकी क्या होती है, अधात होती है। देखिए हम थोड़ा सा फंडा आपको बता दें, जो इलेक्ट्रॉनिक वितरण किया जाता है, जैसे अभी हम बीच बीच में इलेक्ट्रॉनिक वितरण कर रहे थे, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है वो के एल एम और एन के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये के एल एम और एन क्या होते हैं, कोष होते हैं, ठीक। अब इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोषों के अंदर हम लोग किसकी संख्या देते हैं, इलेक्ट्रॉनों की। तो अगर हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन की बात करें, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो के में आपके 2 होते हैं, एल में 8 होते हैं, एम में 18 होते हैं, और एन में कितने होते हैं, 32 होते हैं, जो मैं ये डिवाइडेशन करता हूं, ठीक है। और इसका भी रूल होता है, एक वैज्ञानिक थे बोर, तो बोर के अकॉर्डिंग होता है, अभी हम उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बट इसमें एक काम करते हैं, हम आपको इतने का फंडा बता देते हैं। पहले के कोष में आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, 2, फिर एल में कितने फिल करोगे, 8, फिर एम में आप भर कितने सकते हैं, 18, लेकिन 18 में से आप 18 पहले नहीं भर सकते, पहला काम आपका होगा कि 18 में आप पहले 8 भरेंगे और फिर इसमें जाएंगे एन में, यहाँ पे 2 भरेंगे। एन में 2 से ज्यादा तब होंगे जब इसके 18 क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, यानी यहाँ जब 18, तो यहां से हम लोग क्या हो जाते हैं, बैक हो जाते हैं। ये थ्योरी है बोर्ड की, क्लियर हुई बात। अब अगर हम डिवाइडेशन करें इसका भी, तो अपने हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे वैलेंसी कितनी है, 5। अब 3 भी हो सकती है और 5 भी, क्यों भाई, 5 है तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो 8 हो जाएगा, और 5 चले जाए तो भी आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मिनिमम, मिनिमम का मतलब सामान्य संयोजकता, सामान्य संयोजकता,
सामान्य संयोजकता, देखिए इस वाले वीडियो में कुछ नई चीज आपको मिल रही है, उसमें हमने एक ही संयोजकता बताई थी, इसमें दो आ रही है, एक तो सामान्य होगी एक अधिकतम। तो सामान्य तो कम होती है, तो पांच और तीन कितने हो गए, आठ हो गए, यानी सामान्य संयोजकता कितनी हो गई, तीन। तो जाहिर सी बात अब इसकी कंडीशन भी तीन हो सकती है, लेकिन मैंने एक बात आपको बताई थी कि केवल दो ही एलिमेंट्स ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, मोस्टली कार्बन और नाइट्रोजन। तो ना तो ये कार्बन है और ना ही ये नाइट्रोजन है, तो ये डबल बॉन्ड तो बना सकता है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड आपका नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे कंडीशन देख लेते हैं। पहली कंडीशन है एक डबल बॉन्ड हो जाए और एक सिंगल बॉन्ड हो जाए, भाई तीन ही है तो एक डबल बॉन्ड हो जाएगा और एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन अगर हम वैसे बात करें कंडीशन नंबर दो की बात करें, तो कंडीशन नंबर दो में क्या करना है, एक बॉन्ड आपको और ट्रांसफर कर देना, सिंगल सिंगल सिंगल, यानी तीन आपके क्या हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनना नहीं है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एक आपका POCl होता है, फास्फोरिल क्लोराइड होता है POCl, ठीक है। अब इसमें अभी मैंने बताया था कि ऑक्सीजन अकेले होता है तो क्या बनाता है, डबल बॉन्ड, और Cl क्या बना लेगा, सिंगल बॉन्ड। याद देखिए कितने हैं, आउटर मोस्ट सेल में पांच हैं, पांच में दिए कितने हैं, एक दो तीन, तो बचे आपके पास कितने, तो अगर आप पूछे फास्फोरस के आठ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो दो दो चार दो छह दो आठ कंप्लीट हो गए, क्लियर हो गई बात। ऑक्सीजन के ऑलरेडी पूरे ही हैं, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और क्लोरीन के भी पूरे, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। तीसरा यहाँ दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ तो पीएच थ्री, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फीन, फॉस्फीन। अब फॉस्फीन में पी सेंटर में आ जाएगा, तीन हाइड्रोजन हो गए, सिंगल सिंगल दो इलेक्ट्रॉन, क्लियर हो गई बात। तो ये पहली सामान्य संयोजकता। दूसरी कौन सी होती है, अधिकतम। देखिए पार्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम जिस बेस पे बात कर रहे हैं उसकी बात करें, अधिकतम कितनी हो गई आपकी, पांच, अधिकतम पांच हो गई। अब पांच वैलेंसी अधिकतम है, तो इसका मतलब देखिए, इसके अगर आप पार्ट बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाना नहीं, तो दो डबल बॉन्ड बन सकते हैं और एक सिंगल बॉन्ड, पहली कंडीशन, भाई दो डबल बॉन्ड बना लो एक सिंगल बॉन्ड, तो दो दो चार दो छह दो आठ दो दस। अब आपके मन में आ रहा होगा अक्सर आठ से दस हो गए, ये कैसे हो गया आठ से दस, इसलिए एक नियम और भी है अधिकतम संयोजकता का नियम, तो अभी उस पर चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात आपको बता दे, किसी भी तत्व की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 से 16 के बीच में हो सकती है, ठीक है। 8 तो एक बॉन्ड था, लेकिन 2 से 16 के बीच में भी हो सकती है, और वो अपवाद में आपका नहीं आता है, ठीक। अब देखिए इसकी कंडीशन एक, दूसरी कंडीशन देख लो। अब एक डबल को स्थिर रखो, यहां से इसको हटा दो, तीन सिंगल हो गए, ठीक। फिर तीसरी कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक एक दो तीन चार पांच, यानी कहने का मतलब पांच सिंगल बॉन्ड, एक दो तीन चार पांच। अच्छा, तीन कंडीशन ये हो गई, दो कंडीशन ये हो गई, कितनी हो गई, पांच, और यहाँ पे कितनी वैलेंसी दी है, बाहरी अधिकतम कितने होते हैं, पांच, तो कंडीशन तो पांच ही बनने से ज्यादा आपकी नहीं। अब देखिए जरा, हमने कहा भाई इसका कोई एग्जांपल बताइए, हमने लिखा PO2Cl, आपसे पूछा कि भाई इसको बना के दिखाइए, कोई बात नहीं, P को बीच में रख लीजिए बेटा, शर्त है बहुत आसानी बात है, दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इधर कर दिया एक इधर, ऑक्सीजन क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, और Cl क्या बना लेगा, सिंगल बॉन्ड। ऑलरेडी यहाँ पे मैं पीछे आपको पहले बता चुका हूँ पूरा। आप दूसरे पे आ जाइए, POCl2 फॉस्फोरिल क्लोराइड। अब देखिए बेटा POCl2 बहुत आसान है, पी ऐसे रख दिया, ऑक्सीजन Cl, Cl डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं, सिंगल बॉन्ड, कंडीशन कंप्लीट हो गई। और नीचे वाले में देखिए PCl5 ले लेते हैं, PCl पी फॉस्फोरस, और Cl5 क्या हो जाएगा, पेंटा क्लोराइड,
क्या दिक्कत है इसमें? सीएल सिंगल ही बॉन्ड बना रहा, तो पी सिंगल बॉन्ड सीएल, सिंगल बॉन्ड सीएल, सिंगल बॉन्ड सीएल, सिंगल बॉन्ड सीएल और सिंगल बॉन्ड सीएल। तो आप किसी का भी बना सकते हैं जो नॉन मेटल हो। सर्च क्या है? नॉन मेटल हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा हमने आपको बताया कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी सामान्य संयोजकता होती है और क्या होती है? मैक्सिमम, दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग ये स्कूल। प्लीज लाइक एंड शेयर।